हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप दो प्रेग्नेंट महिलाओं को देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं। इनमें से एक महिला झूठ बोल रही है। क्या आप उस महिला का पता लगा सकते हैं? क्या वो ग्रीन ड्रेस वाली महिला है जो झूठ बोल रही है, या फिर ऑरेंज ड्रेस वाली महिला झूठ बोल रही है? इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए आपको उनके आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर आप आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में अच्छे हैं तो आप इस पहेली को हल कर सकते हैं। चलिए जवाब जान लेते हैं। ये ग्रीन ड्रेस वाली महिला प्रेग्नेंट नहीं है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, उसके पीछे रखे हुए सोफे पर से एक तकिया गायब है। इस महिला ने उस तकिए को अपनी ड्रेस में छिपाया है और प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। क्या आपका भी यही जवाब था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये पहेली काफ़ी पुरानी है, लेकिन आपसे निवेदन है, इस पहेली को ध्यान से सुनिएगा। एक शिकारी पेड़ पर बैठे हुए 7 पक्षियों की तरफ बंदूक चलाता है। आपको बताना है कि कितने पक्षी जिंदा बच जाएंगे। आपका समय शुरू होता है अब। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस पहेली का जवाब आपको लॉजिकल तरीके से देना होगा। चलिए अब आंसर जान लेते हैं। पुराने जमाने में इस पहेली का जवाब कुछ इस तरह से दिया जाता था कि जब बंदूक चलने की आवाज़ होगी तो सभी पक्षी उड़ जाएंगे और सभी पक्षी जिंदा बच जाएंगे। लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली की स्पीड आवाज़ की स्पीड से दोगुनी होती है, इसलिए कोई भी पक्षी उड़ नहीं पाएगा और कम से कम एक पक्षी मारा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि 6 पक्षी जिंदा बच जाएंगे। क्या आपका भी यही जवाब था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं, जो पानी और टैंक से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा। चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले पानी टैंक ए में जाएगा और इसके बाद पानी टैंक बी की तरफ जाएगा, क्योंकि टैंक सी की तरफ जाने वाला पाइप टैंक बी की तरफ जाने वाले पाइप की तुलना में ऊंचा है। इसके बाद पानी टैंक बी से होते हुए टैंक डी की तरफ जाएगा। इस तरह से टैंक डी सबसे पहले भरेगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि टैंक डी सबसे पहले भरेगा? मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके बताना आपने कितनी पहेलियां हल कर ली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।